ज्योति और आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगी सोयाबीन की सब्जी बनाना कैसे बनाते हैं। तो इसे हम न्यूट्री भी कहा जाता है इसे, तो देखते हैं हम किस तरह से बनाते हैं। देखिए, ये हमने ले लिया है इसका पैकेट, सोयाबीन का पैकेट है ये। जिस तरीके से हमने बनानी है, जितना हमने बनानी है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो पहले तो हम इसे उबालेंगे पानी में, तो पकने के लिए इसे भिगो कर भी रख सकते हैं, पर हम यहाँ पर उबालेंगे। तो मैं इसे पहले पतीली में डाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मतलब देखिए हमने जो है इस तरह डाल ली है इसमें। अब हम इसमें जो है पानी डालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है पानी डाल देंगे हम, इतना काफ़ी है। तो अब हम इसे गैस ऑन कर देते हैं और गैस में रख लेते हैं इसे। तो हमने गैस को जो है फ्रेंड्स मीडियम फ्लेम में रखनी है गैस, और यहाँ पर हमने बंद कर कर रख लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने टमाटर जो है वो काट लिए हैं, दो टमाटर लिए हमने यहाँ पर बड़े वाले, और ये देखिए हमने प्याज भी काट लिया है, बड़ा प्याज एक, और ये हमने देखा ये हमने थोड़ी सी मिर्च ले लिया, हरी मिर्च, और ये हमने लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, ये हमने अदरक ले लिया है इसमें। अब जो है हम इन तीनों चीज़ों को मिक्सी में मतलब ग्राइंडर करेंगे, तो हम जो है इसमें डाल लेते हैं सारी। तो देखिए हमने इस तरह से डाल लेना है, हम प्याज जो है वो भी डाल लेते हैं इसमें। ये भी हमने इसमें डाल लिए हैं, अभी हम इसे ग्राइंडर कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा अच्छे से ग्राइंडर हो चुका है, अब हम इसे जो है निकाल लेते हैं। देखिए ये भी हमारी हो चुकी है, और हम जो है इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ओ ये तो बहुत ही गर्म है, मेरे हाथ जल रहे हैं इससे। तो हम जो है इसमें पानी डाल देते हैं, ठंडा पानी। तो हम इसमें जो है ऐड करते हैं पानी को, तो ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, तो हम इसे निकाल लेते हैं फिर। तो यहाँ पर मैंने दो बार पानी डाला है, ये बहुत ही गर्म थी। तो अब हम इसे जो है देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पर ही निकाल लेना है, पर ये तोड़नी नहीं है, टूटनी नहीं चाहिए ये, इस तरह से आपने निकालना है। और इस तरह से हमने जो है सारी जो है वो हमने प्लेट में निकाल लेनी है। सोयाबीन जो है निकाल लेते हैं, हमने यहाँ पर गमले में लगाया है, इसमें खुद बनाया है हमने, तो इसमें थोड़ी कम चूसी के साथ निकालना पड़ता है धनिया, क्योंकि अभी थोड़ा हुआ है, अभी हमने और जगह भी लगाया तो हो जाएगा, तो इतना काफ़ी है। यहाँ पर हमने भाभी लगाई है, तो हम इसे भी निकाल लेते हैं, ये हम निकाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है धनिया निकाला है, और थोड़े से देखिए भावरी के पत्ते निकाले हैं। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है दाल में, और स्वाद स्वाद मतलब इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो इसे काट लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने पहले मतलब ये हमने गैस ऑन कर ली थी, तो हमने तेल को गर्म करने रख लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम सबसे पहले डालेंगे एक चम्मच मेथी, और एक चम्मच हमने यहाँ पर जीरे का डाल लिया है, जो है यहाँ पर लाल मिर्च साबुत डालेंगे। तो देखिए हमने जो है डाली है, अब जो ये यहाँ पर हम ये हमने थोड़ा सा हींग डाल लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है अच्छे से मतलब ब्राउन हो चुका है, और अच्छे से हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है जो हमने पेस्ट बनाया था मिक्सी में, तो वो डालेंगे इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे जो है हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो है इसमें हम डालेंगे एक चम्मच हल्दी का डालेंगे हम इस पर, एक से डेढ़ चम्मच डाल सकते हैं आप, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे आप अपने हिसाब से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो है इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, देखिए, और मीडियम फ्लेम में आप रखेंगे गैस को। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे जो हमने अच्छे से मिला लिया, और ये जो है थोड़ा सा मतलब इसे ब्राउन हो देंगे, तब तक हम इसे ऐसे ही रखेंगे इसमें। तो देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा इसमें उबाल आने शुरू हो गया है। अब हम इसमें जो है थोड़ा सा ये देखिए दालचीनी, आधे से आधा चम्मच हमने थोड़ा सा डालना है इसे, और अब जो इसमें हम देगी पाउडर डालेंगे, देगी मिर्च पाउडर, इसमें हमने एक चम्मच दो चम्मच डालने हैं, छोटे वाले लिए हैं मैंने। तो इसे जो है हम अच्छे से जो है मिला लेते हैं, और देखिए इसमें जो है कलर आ रहा है, मतलब जो हमने देगी पाउडर डाला है मिर्च का,
तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हम थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी डाल ली है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसे जो हम 5 मिनट के लिए रख लेते हैं बंद कर कर के। फ्रेंड्स, इसे जो हम अच्छे से मिला लेते हैं। 5 मिनट मतलब 2 मिनट हो गई है इसे रखे हुए। अब इसमें जो हम 1 गिलास जो है पानी का डालेंगे। तो देखिए, हमने जो है 1 गिलास हमने पूरा ही डाल देना है इसमें। अब हम जो है इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। आपने जिस हिसाब से इसकी ग्रेवी, जो मसाला आपने बनाया है, ये बनकर तैयार किया है, उस हिसाब से आपका पानी लगेगा। तो देखिए, हम इसे जो है उबलने देते हैं। इसमें जो है जो हमने देखे ये सोयाबीन रखी थी, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें डाल लिया है। और इसमें जो है 5-7 मिनट जो इसमें उबाल लगाएंगे इसमें। तो इसे हम रख देते हैं बंद कर और गैस में मीडियम फ्लेम में रखते हैं इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा हो चुका है। इसमें देखिए अच्छे से उबाल आ चुका है, उबल चुकी है ये जो हमारी सब्जी है। तो इसे देखिए बहुत ही अच्छी बनी हुई है ये। अब इसमें जो है हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, डालेंगे इसमें 1 चम्मच। तो इसमें जो हमने 1 चम्मच डाल दिया है गरम मसाला, अब इसे जो है हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये बनकर पूरी तैयार हो चुकी है। गैस को हमने ऑफ कर दिया है। अब मैं इसे जो है दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो सब्जी है बहुत अच्छी बनी हुई है, देखिए आप भी। और ये जो है अब हमने जो देखिए, हमने हरा धनिया निकाला था, तो वो जो है हम इसमें डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है बहुत ही अच्छी बनी है दाल हमारी जो है। देखिए सब्जी कितनी अच्छी से बनी हुई है, आप भी देखिए, और बहुत ही टेस्टी बनी हुई है ये। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना वीडियो को, और थैंक्स करती हूँ यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी उसके लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। और पर मैंने देखा है बहुत से जो है मेरी वीडियो को तो देखा है उन्होंने, लेकिन सब्सक्राइब भी किया है, पर लेकिन है वो वीडियो नहीं देखता है। तो वीडियो जो है वो आप पूरी देखिए, और बहुत ही टेस्टी भी बनती है सब्जी। अगर आपको तो ऐसा पता नहीं लगेगा, मैं तो बोल रही हूँ टेस्टी बनती है, पर एक बार आप ज़रूर बनाइए तो आपको भी पता लगेगा कि बहुत ही अच्छी बनती है। और कमेंट में बताइए मुझे, आप कमेंट ही नहीं करते हैं, मुझे बताते नहीं हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो मुझे बताइए कुछ आपको अच्छा नहीं लगता है मेरा तो। और सब्सक्राइब करें चैनल को, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और देखिए, पूरी वीडियो देखिए आप किस तरह से मैं बनाती हूँ। और तो बहुत सी जो है कोई वीडियो है मेरी पीछे वाली वीडियो है, मैं उसका लिंक भी आपको दूंगी, तो उन्हें भी देखना आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। इसी तरह से मैं चटपटा आपको कुछ लाऊंगी नई वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।